हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज, आपका दिन शुभ हो। और अभी मैं हूँ अपने ऊपर वाले घर में। कल मैं ये नहीं कर पाया दगड़ियों, क्योंकि शाम के समय मौसम ख़राब हो गया था। पर ये तो रोज ही लगा रहेगा दगड़ियों, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी नाश्ता करके इसको मैं सबसे पहले करूँ। पहाड़ी बाकली के बर्तन मेरा इंतजार करते हुए दगड़ियों, जब मैं ये रोड जस लो जहाँ में बकरा लीजिए ना। आज सुबह सुबह चल खा ले गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो? नमस्कार, ठीक ठाक। मेरे सामने वाली खिड़की से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, अफसोस है कि तुम्हारी दिल्ली में धुआं कोहरा लगता है। मेरे सामने वाली खिड़की से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। तो दगड़ियों, अम्मा का बाहर आने का टाइम हो रहा है, प्रिंसिपल साहब अपनी कमर बांधते हुए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है। श्री श्री 1008 ब्यास जी पधार रहे हैं। टिक्की करल, टिक्की करल। चल बैठो, तो लो बैठो, मैंने काम है। है कह रहा हूँ, पूरा माहौल यो, जहाँ बैठ सके कुर्सियाँ लेके आओ। फाइनली हवाई जहाज रनवे में पहुँच चुका है, और अभी हवाई जहाज की डिग्गी बैठ रही है और सकुशल लैंड करा दिया है। तो कुछ देर अम्मा विटामिन डी लेगी दगड़ियों, उसके बाद जब विटामिन डी की प्रचुर मात्रा मिल जाएगी तो फिर शो में आ जाएगी। टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल क्या है? नाश्ता करवा दिया है। हाँ, अब खाने की तैयारी करता हूँ, ठीक ही होगा। आके बना ला खाने में। आज बनाता हूँ कापा। कापा कापा बनाई ना दो तुम। आता तुम्हें कापा बनाना? ना, तू बड़े का दिल है। कैसे बनाते हैं? चलो कापा बता दो। एक तो ताइजी बनाती है। तू शिका ले, मैं बोलूँ। मेरे को आता है। हाँ हाँ, ठीक है, तेरा ही बनाया खाते हैं। मैं बता देता हूँ, आप बनाने से कितना है। मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। हम बना रहे हैं, तुम खा रहे हो, तुम बनाओ, हम खाते हैं, हमारा टाइम है खाने। मैं बता रहा हूँ, फिर डिक्टेट तुम बताना सही गलत। कापा बनाने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हरी सब्जी, चाहे वो लाई हो, पालक हो, उसको बारीक से काटा। काट दिया, धोना धाना कुछ नहीं। मतलब यार, तो वही पर काट दो, ठीक है। दो तीन पानी धोया, ठीक है, उसके बाद उसको काटा, ठीक। उसके बाद ठीक हो गया, थोड़ी देर उसको मतलब सुखाने लगा दिया। सुखा दे, पैक उठा दर्द बाण में सुख जादू टाप की। अरे वाला, थोड़ा उसको निथारने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं तुम्हें बताता हूँ पूरा प्रोसेस। कढ़ाई रखी जिसमें बनाना है, ठीक है। कढ़ाई में सबसे पहले डाला तेल, ठीक, तेल डाल दिया। उसके बाद बता रहा, तेल डालने के बाद उसमें भुटी, मतलब वो जो सूखी मिर्च होती है, सूखी मिर्च जो होती है, सूखी मिर्च जो होती है वो डाले। तोड़ के सूखी मिर्च डाली, वो चचराहट करेगा, ठीक है। तोड़ दे, अभी लगा खो रहे हैं। उसके बाद हो गया तो फेल हो। रुको, कई पॉइंट में फेल हो। अरे क्यों, मैं सही गलत बोला अभी तक बताओ। सूखी मिर्च डाले, सूखी मिर्च डालेंगे, भुनी हुई मिर्च डालना, सूखी मिर्च डालेंगे, वो भी तोड़ के डालना है। सूखी मिर्च को खोरेन ने आली में तोड़ बेर। अच्छा, तोड़ के नहीं डालते? ठीक हो गया, वैसे डाल दिया, सिंगल डाल दी। उसके बाद डाल दी उसमें हरी सब्जी, हरी सब्जी डाल दी। अरे सुनो, हरी सब्जी डाल दी, नहीं खुशान डाला, निकाल दी खुशान। हरी सब्जी डाली, हरी सब्जी में लून और हल्का सा हल्दी डाल भी सकते हो, नहीं भी हल्दी कौन डालता है हरी सब्जी में। हाँ, नमक डाल दिया, नमक से काम चल जाता है, विवाद होगा। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा वो करके ढक्कन रख दिया, फिर उसकी टपकी जैसी बन जाएगी थोड़ी देर बाद। फिर की कर, फिर पिसू भून एक, मैंने उसको अलग कर दिया, अलग कर दिया उसको। उसके बाद उसमें आटा भुना, आटा भुना, आटा भुनने के बाद उसमें फिर सब्जी डाल दी वाली। बस दाव दो, बल दो, दावा फिर क्यों ऐसे नहीं बनाते है बताओ। अब ये तो वीडियो में डालेगा, लोग बताएंगे कैसे बनाते हैं। मिल जाऊं पर कुशल बाल लेने की जय हो। नमस्कार,
ये अक्षर लकड़ी का खरीदा तो ऐसे का ऐसे ही देखा मैंने। तोता गड़ियों जड़ जाने पराव रखने के लिए गोदाम किराए में लिया है। बहुत ही हैवी कारोबार है जड़जा का। अलग अलग वैरायटी की आपको यहाँ घास मिलेगी, पटाल मिलेंगे, पाथर मिलेंगे। ओहो चिल भी रखा हुआ है जड़जा ने। ये दो करामातिक जो अमर जड़जा रुपया कटक लग गया दांत का। पैरों में हो रही है दर्द, यहाँ हो रही होगी ना यहाँ। बॉस करने की वजह से होता है। धन धान्य से समृद्ध है हमारी जड़जा। आप देख सकते हैं इधर चावल में फटाव लगाया जा रहा है, इधर गेहूं सुखाने डाल रखे हैं। सच में अन्नपूर्णा हम इनको कह सकते हैं दगड़ियो। मैसने का हमारे यहाँ रुपया ना लग गया दगड़ियो। जड़जा रुपया लाग बे, धान है बे, धान कुटा बे, चाव में फटाव लागना। देख रहे हो कितना एडवांस चल रही है। तो दोस्तों ताऊजी जड़जा की सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। अभी देखो आप घाम लग रखा है, ठीक है। तो गर्मियों में जड़जा अगर बाहर पे फटाव लगाएगी तो काली पड़ जाएगी। इस वजह से ताऊजी ने ये अंडरग्राउंड सर्विस दी जड़जा को, तो अंदर ही फटाव लगाने वाला भी बना रखा है। आप देख सकते हैं कृष्ण का कारागार वहाँ पर बना हुआ है। तुम आप कहो तो मैं क्या कहो खींचो ऐसी खींचो यथा करो यथा ऐसी खींचो आप दिखाओ आप कहो देखा क्यों कहो तो बताओ बताओ ए फटवा मैं खाली भी हूँ ना खाली भी हूँ आप नो नाम तो मिला कर ये भी हो आप नो पगवा ना मैं कम बनो ये शी आओ ये शी ये शी ये शी ये थो ये थे ये थे ये देखो फटाव लगूं ना ये शी आप ठीक हो आप कहो क्यों कहो ये लगो अशाद में क्या है क्यों अशी क्यों बे तो खत्म हो गया फटाव लगो मेरे का दिल देख लियो हमी रोपा ना लगा रहा है इन रोपा लगाए पे धान है गया तो मेरे को कहो लो तू जल्दी चावल ले गया ने धान ले कुटिया ले आ कुटान आ जा धान चावल बुर्जू लगा सकने ना फटाओ तबियत ठीक है तबियत चलो बढ़िया बया था तबियत ठीक है गे को तसले बच रहा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा जड़जा और जड़बाजू कितने प्रेम से आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं दगड़ियों। जड़जा चावल सूबे में उचा रही है और जड़बाजू ने कट्टा छोड़ रखा है। तो जरूरी ना कि जो रोमांस है वो रेस्टोरेंट में ले जाकर ही होगा, कैंडल लाइट डिनर करके होगा। ऐसे कुथाव छाड़ते समय, किट छाड़ते समय भी रोमांस हो सकता है। देखो ना आप कितने क्लोजर वो आ रहे हैं, आंखों से आंखों का संगम हो रहा है, हाथों से हाथ टच हो रहे हैं। डेट इज द टाइप ऑफ पहाड़ी रोमांस। बुर्जू का नाम को चाचा का नाम तुम्हारे का देख भाई हॉर्मोन करना नहीं के अब तो मैं पूरा लेता है कर रही दे दे दिया है ला खावा के ला हूँ बड़ा फिर ही द जशा ऐसे जानी जशा करें हम ना हो रही ना किस अर्जी भी कर गये उन्हें कला तो जहाँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं हैं कहाँ जानो चिल्ली कहाँ हैं फिर पहले तो मान जी की हुआ जब तीन तीन चार चार चिल्ली हुई एक घर में अब यक्का होने बहुत चलो चलो दोहरना चाहे न तुम कदु बहनी छे चार घर जा हाँ घर बैठो भात खाए तो जाना को बुआरी अच्छा जाओ पे जाओ बुआरी बहुत डर हूँ आनु मन का ये तो ये जाना थी मोर बर्बाद है जाओ पे जाओ देखो तो गड़ियों
एक हमारे दुरुग आम छू जगह अपन बुआरी तू डर छू एक मेरा आमले छू हर वक्त यशी भाई बुआरी यशी भाई तू ना डर नहीं ना अपन बुआरी का देख बे के डर रहा भाई ने आप गलत में नहीं होना चाहिए तब डर भाई भगवान रे डर हूं मैं नहीं जैसे तो कोई डर ना लागने जैसे मैं हाथ खुटा रह ज्ञान अब जिला करण हूं बुआरी ने ला करण हूं क्या पको करो लो दोरा बुआरी जा यार भी देर वो तो अगर छाड़ जाल जब उन को ले रही हूं उन्हीं कराला को करो तो यह ना होना कति छाड़ जाल मग है एक कमरे में धर जाल के चावन चितान की नहीं करो अरे उन में का धराल जब उन को लेके धराल पे भगा दे ना वो तुम नहीं चला हां अब बता लेकिन ता तो कोई ना सोचन ने पा छान धर देन ना ना गलत भाई बोलो गलत भाई बुढ़ापा आश्रम बढ़ाई दी बोने की ने हां मैं धनान ना जन बुढ़ा बारिन लेकिन गलत भयो परंपरा हो लगे वो सवाल फिर हां है क्या है ना धरों तो का तू घबरा ने दाय धरी जा रहे हो खाने की मिला वाले वही आज की मिला लपे फस फसक नहीं मिलो वहां क्या नहीं मिला बुलबाड़ी मस्त होनी वहां पहले ले मिला तजे उजे की मिला आम जे की मिला टाइम टाइम पर लपे छोईर वाड़ नहीं मिलो आम नहीं मिलो खाम ना आ मिला भी ना खाया मत पीला खानो तो दुगला आम ही अब नहीं होना मिला एक दाण लेना खाया हां घाम आया है तो खोल ओल भी धो दिए मम्मी ने कर लो सा गरम होने हो गई बस मम्मी ने भी यहाँ से नहीं घाम डाल रखे हैं दगड़ियों कंपटीशन चल रखा है आज दोनों देरानी जठानी में तो का ना दिन मोबाइल चल उड़े की मम्मी ऐसे देखे रहती है किनारे से है मम्मी की शिफ्ट रात में है गाइस मम्मी की शिफ्ट रात में होती है मोबाइल चलाने की और दिन भर पापा की होती है देखिए एक नई मोबाइल दी दिनों पे सुमित वालू यूज कर ले दो दोस्तों पप्पा ने कापा तो बना दिया लेकिन उसमें एक चूक कर बैठे हैं आज क्या हुआ बताओ मेरे को तो बड़ा शिकार रहे थे कि हल्ले खुशहाल हल्ले लूण हल्ले क्या हल्ले बताओ क्या हुआ आपकी कैमरे चूक नहीं हो रही है सब ठीक है कैमरे के सामने सच्चाई नहीं स्वीकार रहे हो आप बताओ क्या हुआ है हो सकता है नमक ज्यादा हो उसमें वो क्यों ज्यादा होगा इसलिए भी वो भी बताओ ना मतलब क्या हुआ पहले तो मैंने उसमें टपकिया के हिसाब से डाला था ना हाँ। थोड़ा एक बार अच्छा टपकिया तो कम होता है हाँ। फिर उसमें मैंने फिर दोबारा उसमें वो बेसन वेसन आटा घोल के डाला अच्छा बिस्वार हाँ। फिर अब मात्रा बढ़ गई तो फिर नमक भी तो बढ़ाना पड़ेगा तब तो ठीक ही हो रहा होगा फिर अब मुझे लग रहा है मतलब तभी तो कह रहा हूँ ठीक ही होगा जहाँ तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि लून कम हो रहा है या बैंक हो रहा है और कापा का हम पूरा रिव्यू करेंगे ठीक है लगो तो कल रिव्यू देखो है तो उफाड़ उल्लो लगो क्या भीतर पर लगो चटाई बिछो उल्ल पानी बांध दर और थाई दर और कुकर लो उल्ल अच्छा वो कढ़ाई लो जा लगो दे पास कर दे लो दे पास कर रिव्यू कर रहा हूँ यार बाबा पास पास ही बोला दे हमने की चाय खाना पास दे तू कर दूंगा मैं चलो तो दोस्तों हम खाना वाना खाने जा रहे हैं और मैं आपको कापा का रिव्यू करके दिखाऊंगा उत्तम मजा आ गया बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है एकदम एक आया तुम लोग हाँ पे खा ताण पे ये ताण अब मैं एक बार टपका के साथ ओल के दिखाता हूँ आपको अभी हम सिर्फ टपका ही टपका लगाएंगे देखो टपका के साथ खाने में भी बड़ा मजा आता है थोड़ा हल्का हल्का भात जल भी रखा है वो टेस्ट को और भी बढ़ा रहा है दगड़ियों ये देखिए टपका भात वाला घास भात गरम नहीं हो रहा है दगड़ियों नरम हो रहा है नरम भात में गर्मा गर्म टपका लगा रहे हैं दगड़ियों पहाड़ की खुशबू बिल्कुल ऑर्गेनिक शुद्ध सात्विक खाना दगड़ियों परमानंद और साथ में दोस्तों घर की मूली की कटकी लून मिला रहा हूं मैं हो गया तुम्हें ज्यादा नहीं दिखाता हूँ कहीं तुम नौकरी छोड़ छाड़ के यहीं आ जाओगे आए, ये देखो दोस्तों थोड़ा सा जला हुआ भात है कढ़ाई में कुटूर लग गए और कापा कापा भात को कढ़ाई में खाने का मजा ही कुछ और होता है दगड़ियों ये देखो
देख रहे हो लटपन लटपन, अभी ये थोड़ा सा इसमें फूटी कुछ भी दिख रही है बीच बीच में, ये लाल मिर्च का जो स्वाद आता है ना दगड़ियो, आ हा हा हा, ये देखो यहाँ से आप ऐसे कुटून लेके आते हो, फिर थोड़ा सा इसमें मिलाते हो ऐसे ये, फिर उसके बाद जो दोस्तों आप घास बनता है ना वो बिल्कुल अमृत होता है। जो सुड़ुक वाला ये आती ना टोने, ये घर की याद दिलाती है। हाँ हाँ ये बात करती हूँ सुड़ुक। हम्म।